नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके लिए लाए हैं फ्रेंडशिप बैंड। आज जो सामग्री घर में है उसी से आप लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बनाना बताएंगे। जैसे यह रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष से एक बनाएंगे, मोतियों से एक बनाएंगे, और जैसे यह कौड़ी है इससे भी एक फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे। तो देखिए, अलग अलग तरीके से जो सामग्री घर में है उसी से बनाएंगे। ऐसे अलग अलग डिजाइन दे करके इस प्रकार जैसे रुद्राक्ष से, ताकि हमें मार्केट ना जाना पड़े खरीदने के लिए। अगर चाहें तो जैसे कार्ड लेकर के इसमें हैप्पी फ्रेंडशिप लिख करके साटन रिबन में चिपका के भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार इन्हीं मोतियों से, रेशमी डोरी से मिला के कई प्रकार से बना सकते हैं फ्रेंडशिप बैंड। देखिए, इस प्रकार से भी फ्रेंड्स ये अलग अलग पीस में है, इसको पिरो करके बना सकते हैं। अभी हम सबको लोकल फॉर वोकल अपनाना है। देखिए, इसमें बीच में घुंघरू लगाएंगे और एक हमारा फ्रेंडशिप बैंड यह भी बन जाएगा। इसको बीच में घुंघरू लगाएंगे, ये देखिए। इसी प्रकार ऐसे पेपर कटिंग करके साटन रिबन में फेविकोल से चिपका करके बना सकते हैं। इसी प्रकार कई तरीके से बहुत सारे बना सकते हैं। इसे इसमें सिर्फ पेपर कटिंग करके ऐसा लिख दें, इसमें अलग अलग डिजाइन से बना सकते हैं और फेविकोल से साटन रिबन में चिपका देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, एक पीस में इसको पिरो करके यह एक घुंघरू वाली एक फ्रेंडशिप बैंड एक यह भी बन गया है। इसी प्रकार बना सकते हैं। देखिए, एक ये वाला फ्रेंडशिप बैंड इस प्रकार बनाएंगे। दो सुई लेंगे, दो सुई में चाहे तो रेशमी डोरी या सिंपल धागा डाल सकते हैं और इस प्रकार इसे धीरे से बनाना। इसमें धागा या रेशमी डोरी जो भी डाले फंसने का डर रहता है। सबसे पहले देखिए, हमने एक मोती पिरोए, इसे थोड़ा धीरे बनाना होता है। इसी प्रकार इसमें मोती की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अब तीन मोती पिरोएंगे। इसी प्रकार तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, जितना बड़ा आपको चाहिए या फ्रेंडशिप बैंड जितना बड़ा चाहिए
उसी क्रम में फिर घटते क्रम में करेंगे। देखिए से बहुत धीरे से बनाना है। अब चार मोती पिरोएंगे, चार के बाद पांच, फिर घटते क्रम में फिर करेंगे चार तीन दो एक। इस प्रकार यहाँ फ्रेंडशिप बैंड तैयार हो जाएगा। देखिए अब जब ज्यादा मोती है तो एक एक तरफ से सुई पिरोएंगे और हल्के से इसको कसेंगे। बस ऐसे ही अब चार के बाद पांच, फिर चार तीन दो एक, और ऊपर में इसको बीचों बीच इसमें छेद है इसको भी सुई से टांग देंगे। इसको देखिए यह डिजाइन दो सुई से बनता है। आखिरी एक मोती पिरोएंगे, इसे चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं यदि बड़ा डिजाइन बनाना हो तो, और इसे इस प्रकार बना के साटन रिबन के ऊपर चिपका भी सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए यदि आप लोग चाहें तो इस डिजाइन को बड़ा भी बना सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे, ये साटन रिबन के ऊपर भी बना सकते हैं। इसको हमने फेविकोल से चिपका के बनाए हैं। हमारा यह वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।